नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसके आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बिहार इलेवन बहाली की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, आखिर बिहार इलेवन की बहाली कब होगी, कितने पदों पर बिहार इलेवन की बहाली होगी, क्योंकि 2008 के बाद बिहार में बिहार इलेवन की बहाली नहीं हुई है और स्टूडेंट द्वारा बार बार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे भी विभाग पर कोई असर और सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। आखिर क्या अपडेट निकल के आई है आज बिहार इलेवन के बारे में, तो इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार में बिहार इलेवन वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाले हैं विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है। और कल फाइनली कैबिनेट बैठक था, तो कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली विशेष सच्चाई वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो विभाग की तरफ से बिहार इलेवन वैकेंसी की रिगार्डिंग निकल के आई है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आज से 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे जो गया में सभी स्टूडेंट बिहार इलेवन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले दरभंगा में धरना प्रदर्शन किया है, दरभंगा से बाद आपको पटना में धरना प्रदर्शन हुआ है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट को हम बोले थे पटना आने के लिए, पटना आके उसके बाद एक साथ सभी स्टूडेंट आवाज़ उठाइए, उसके बाद ही सरकार के पास आपकी बात पहुंचेगी, तब शायद आपको बिहार इलेवन की बहाली देखने को मिलेगी। देखिए अभी निकल के आ रही है यहाँ पर जो रोजगार का सपना हो रहा है साकार, प्लस टू स्कूलों में 7,000 इलेवन की होगी नियुक्तियाँ, 6421 स्कूलों में मिलेंगे लेवियन, 500 से अधिक किताबों वाले सभी पुस्तकालयों में भरे जाएंगे पद। तो दोस्तों देख लीजिए यह निकल के आई है, तो अगर आप लोग एक साथ एकजुट होकर अगर पटना में धरना प्रदर्शन करते हैं, साथ में दिलीप जी को अगर लेते हैं, तभी जाकर बिहार में बिहार इलेवन की बहाली आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको पेपर में ही आर्टिकल ही देखने को मिलेगा और इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाए हैं, उसके बाद जो है टेलीग्राम भी बनाए हैं और सभी स्टूडेंट को बोले हैं टेलीग्राम पर भी मैसेज करने के लिए और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैसेज करने के लिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो अभी स्टूडेंट आप लोग घर बैठे सोचते हैं बिहार में बिहार इलेवन की बहाली देखने को मिलेगी, तो सरकार इसके बारे में सोच भी नहीं रही है, क्योंकि सरकार को जिससे वोट बैंक बनेगा, जिसे जिसपे राजनीति कर सकती है सरकार, बस वही चीज़ अभी दिखेगा। ओनली फॉर अभी टीचर की वैकेंसी सरकार को दिख रही है, दूसरा स्वास्थ्य विभाग, तीसरा और चौथा वैकेंसी विभाग को भी नहीं दिख रही है, नहीं सरकार को दिख रही है, क्योंकि 2008 के बाद बिहार में बिहार इलेवन की बहाली नहीं आई है। तो बार बार हमें कहने के बाद भी कितना स्टूडेंट कल भी कॉल किया था जो सर हम मधुबनी से बोल रहे हैं और सर हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप जो है एनएम के साथ दिए और एनएम स्टूडेंट आपको साथ दिया, तो सर आज उसका एग्जाम करवा दिए, उसका रिजल्ट भी आने वाला है और सर हम लोग भी कृपा कीजिए और हम लोग भी बिहार इलेवन की वैकेंसी निकलवाइए, क्योंकि देख लीजिए लगातार एनएम का सपोर्ट कर रहे हैं और एनएम के हक में आवाज़ उठाए, हर चीज़ किए, धरना प्रदर्शन किए, सब कुछ किए और धरना प्रदर्शन स्थल पर भी गए थे। तो देख लीजिए उनका अभी एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आने वाला है कुछ एक दिन में, मतलब फरवरी में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट कॉल किया था सर हम लोग पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि 2008 के बाद बिहार में बिहार इलेवन की बहाली नहीं आई है, तो इसके लिए तो हम आपको व्हाट्सअप चैनल बना दिए हैं, टेलीग्राम भी ग्रुप बना चुके हैं, आप लोग इससे जुड़ेंगे उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। आप लोग अगर सपोर्ट मिलेगा, 50 को स्टूडेंट का अगर सपोर्ट मिल गया, तो हम फिर आपका भी वैकेंसी निकलवा के छोड़ेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और मैसेज कीजिए जो सर हम आपके साथ हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, तो आपका भी वैकेंसी बिहार में बिहार इलेवन की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बार बार हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग सहयोग कीजिए, हर चीज़ कीजिए, साथ दीजिए, तभी बिहार में बिहार इलेवन की बहाली देखने को मिलेगी, अन्यथा पेपर में और आर्टिकल में ही ऐसे ही आपको पेपर में आर्टिकल देखने को मिलेगा और धरातल पर बिहार में बिहार इलेवन की बहाली देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं जो सभी स्टूडेंट, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, सभी जुड़ जाइए और एक साथ पटना आइए और एक डेट रखते हैं, उसके बाद जो है धरना प्रदर्शन करना है, उसके बाद ही आपको कोई चांस होगा बिहार में बिहार इलेवन देखने को, उससे पहले आपको देखने को भी नहीं मिलेगी बिहार में बिहार इलेवन की बहाली।
तो दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा, जो आप हमारे साथ है या नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग 10-20 स्टूडेंट के साथ धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि धरना प्रदर्शन करके देख लिए सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और आगे अभी चुनाव आ रही है, तो अभी अगर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं पटना में जाके, तो शायद बिहार में बिहार लाइवन की बाली 2024 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जैसे ही विभाग तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।